हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं सोया चिली बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने सोयाबीन को उबाल लिया, उसका पानी निचोड़ कर रख लिया। अब देखिए इसके लिए क्या क्या सब्जियाँ चाहिए। सब शिमला मिर्च है, गाजर, हरी मिर्च और लहसुन, प्याज। इन सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो बड़े भी काट सकते हैं, मैंने छोटा काटा ताकि बच्चे निकाल ना पाएँ सब्जियाँ इससे, इसलिए मैंने छोटे छोटे काटा। देखिए, सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया, इसमें ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा। अब थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने। अब इसमें हम सोया जो है ना, हमने उबाल कर रखा था, उसको डाल दिया। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए मैंने कितना कम ऑयल में डाला है ना, इसको डीप फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी, क्योंकि डीप फ्राई करने से काफ़ी ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखिए मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। अगर इसको हम मैरिनेट करते, कॉर्नफ्लोर वगैरह लगाते, डीप फ्राई करते तो काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है। इतना हेल्दी होते हुए भी हम फिर इसे नहीं खा सकते हैं। देखिए अब मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दिया। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप जब चाहें अक्सर खा सकते हैं, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। इसमें काफ़ी प्रोटीन होती है ना, इसलिए हम लोग इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। देखिए अच्छे से हमारा ये अब फ्राई हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में, मैंने निकाल लिया है। अब ये सब्जियां हैं ना, अब इसको फ्राई करेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया। देखिए ऑयल डाल दिया, अब हम लहसुन डालेंगे। सबसे पहले लहसुन डालेंगे, उसके बाद हरी मिर्च डालेंगे। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे। प्याज को भी डाल दिया मैंने, फ्राई कर रही हूँ अब। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें गाजर डालेंगे और शिमला मिर्च भी डालेंगे, उसको भी थोड़ा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि थोड़ा कच्चा ही ठीक लगता है, कड़ा अच्छा लगता है। बहुत बॉयल जैसा नहीं कर देना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इन सब्जियों में मैंने नमक डाला और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें रेड चिली नहीं डालेंगे क्योंकि वो नहीं डालना चाहिए ना, कोई भी चाइनीज़ आइटम में रेड चिली नहीं डालते, काली मिर्च पाउडर ही डालते हैं। अब देखिए हमारा वो फ्राई हो गया ना सब्जी। अब इसमें हम सोयाबीन डाल दिया, जितना हम नहारा था ना न्यूट्रीला सोयाबीन डाल दिया हमने फ्राई किया हुआ। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल छोटा छोटा सोयाबीन। अब ये है हमारा सॉस, इसमें मैंने टोमेटो सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस सब कुछ मिक्स कर दिया है, दो दो चम्मच डालकर। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि काफ़ी गाढ़ा था ना, अब थोड़ा सा पानी मैंने डाला, दो चार चम्मच। अब इसको सोयाबीन के ऊपर डाल देंगे। सारे सॉस को एक साथ मिला लेने से अच्छा रहता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है ना। अब इसको मिक्स करेंगे सोयाबीन को। देखिए कितना अच्छा अब कलर आ गया, कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है, अब बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब देखिए हमारा ये टोमेटो सूप होता है ना, एक छोटा पैकेट आता है 10 रुपये का, वो मैं इसमें डालूंगी क्योंकि मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं था ना, और सूप में तो काफ़ी कॉर्नफ्लोर होता ही है। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कोई भी सूप एक पैकेट ले आइए, छोटा काट दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए। मेरा एक पैकेट ये बचा हुआ था टोमेटो सूप, इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स भी हैं ब्रेड के, तब भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, टेस्टी लगता है। कुछ भी डाल दीजिए, कोई भी सूप आपके पास बची हुई हो ना, अगर कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप इसे डाल सकते। देखिए मैंने इसमें पानी डाल के घोल दिया, अब इसको उसमें डाल दिया। अब थोड़ा मिक्स कर देंगे अच्छे से। बस देखिए हमारा अब ये रेडी है, देखा कितना मज़ेदार लग रहा है, सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। अगली बार मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।